और मुझे ना धुआं बड़ी दूर से दिखाई दे रहा था, मुझे लग रहा था शायद कोई फैक्ट्री वगैरह में से निकल रहा है। शिट मैन, मैंने इवन जीपीएस पे डाल के देखा कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, वहाँ पे भी ठीक दिखा रहा है, कोई ट्रैफिक भी दिखा रहा था। आई थिंक अभी लगी है और ट्रैफिक बंद कर दी उन्होंने। खिच्ची चल उधर ही लिंच कर ला, उधर ही लिंच कर ला, खिच्ची चल नहीं रोकना इन्होंने, छेती उधर ही लिंच कर, रोक देने नहीं देने सारे। ओह शिट, और पुलिस वाले ने कर दी ट्रैफिक सारी स्लो। ओह लला, रोक दी। ये मुझे पता क्यों लग रहा है कि आग लगी है? हां, पिछले 15-20 मिनट से मैं पहाड़ी चढ़ रही हूँ, एसी बंद किया हुआ है मैंने, और शायद इसने बंदे ने एसी ना बंद किया इसलिए उसका नहीं, ट्रक नहीं है। हाँ? गाड़ी को लगी है आग, गाड़ी है। ओ यस यस यस, गाड़ी को आग लगी है। ट्रैफिक रोक दी ना उन्होंने। हाँ। अरे यार, इसी लेन में रहूँ ना मैं। हाँ यही रहो, थोड़ा उधर करूँगी नहीं, वो निकलने ही देंगे। अब वो मुझे पता है, थोड़ा सा उधर करूं। फायर वाले भी अभी दिख नहीं रहे। आई थिंक अभी लगी है, पुलिस वाला भी अभी आया है। हाँ अभी अभी अभी। ये ट्रक क्यों खड़ा है? इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया इसके साथ? मे भी दो जाने बाहर निकले हुए हैं। हाँ, ट्रक के आगे एक गाड़ी खड़ी है फ्लैशर लगा के, उसके आगे गाड़ी है जिसको आग लगी है। वो पुलिस वाला गाड़ियों को कह रहा है आई थिंक पीछे जाओ, रुक जाओ। वो उससे जो निकाल दिया बाहर, ये क्या हुआ? वो देखा वो किधर जा रहा है वो आदमी, वो हाँ, काला, वो पता नहीं किधर जा रहा है, बाथरूम करने गया है। ओ यार नहीं। अच्छा तीसरी लेन तक जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि पीछे से फायर ब्रिगेड आएगी, उनके लिए जगह छोड़ते। 3-3 लाइनें ब्लॉक करती हैं इन्होंने। जब सारी ट्रैफिक इधर खड़ी है तो आगे जाके क्या कर लोगे आप? अभी भी आप देख सकते हो कितना धुआं निकल रहा है, पूरा काला, और गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। लाइक टायर्स को अंदर से सभी तरफ आग लगी हुई है और धुआं बस बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसीलिए उन्होंने पूरा लाइक हाईवे बंद कर दिया। 2 लेन्स थी इसीलिए दोनों बंद कर दी, क्योंकि धुआं दूसरी लेन्स में जा रहा था और जो वहाँ से गुजरेंगे उनके लिए विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। फायर ब्रिगेड वाले आगे हुए हैं और आग उन्होंने ऑलमोस्ट बुझा दी है। 2-2, 3-3 जने लगे हुए हैं और पुलिस वाले पता नहीं किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, और आग बुझ चुकी है। आप देख सकते हो फायर, वो जो बंदा लगा है वो अभी अंदर थोड़ा पानी मार रहा है कि अंदर से वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। स्टिल वाइट कलर का धुआं अभी भी निकल रहा है, और इधर एक रेड हैट वाला भी पता नहीं कुछ कर रहा है, वहाँ पे भी शायद थोड़ी सी आग लग गई साइड पे, क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह हैं। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। अभी ये आप देख सकते हो ऐसे इन्होंने हाईवे बंद किया है। 2 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, एक वो फायर वाली गाड़ी खड़ी है, और ये साइड पे भी कुछ व्हीकल्स लगा के खड़े हुए हैं। आग बुझ चुकी है, अभी धुआं भी निकलना बंद हो गया है। पीछे से भी उसने पानी का प्रेशर मार दिया अंदर गाड़ी के, अभी वो आगे से मार रहा है। और ये पुलिस वाला कोन्स लगाने लगाए, तो इन्होंने मे बी एक साइड से लेन्स बंद करके, तो बाकी ट्रैफिक को वहाँ से निकालना है, तो उसके लिए ये भी लेन्स बंद करने लगा है। मे बी एक लेन बंद करेगा और शायद एक खोलेगा। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੈਮਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਭਾਈ ਕੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੁੱਸੇ ਦਾਮ ਥੀ गाड़ी, छोटी गाड़ी थी वो, वही तो सिर्फ उसका सिर्फ चल रहा था और उसका कुछ नहीं पता चल रहा था, कई सारी गाड़ी। चलो मिल जाएगी इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस तो मिल जाएगी। देखने से तो पीछे से लग रहा था कि वो स्पोर्ट्स कार है, बट अभी एक मिनट मुझे तो ना चेक करो कैसे भागा। बनाई है मैंने साथ में, भागा गया पूरा अपना, देखो साजो सामान लेके। वही पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते, उसने बस पुलिस वाले ने ये बोला कि जो जहाँ पुलिस की गाड़ी है ना उसके पीछे रहो, क्योंकि वहाँ थोड़ी गर्मी थी ना उसकी वजह से, तो उसने बस ये बोला कि पुलिस वाली गाड़ी से पीछे। वो भी व्लॉग बना रहा था। हाँ व्लॉग बना रहा, पता नहीं इतना सामान रखा था उसने। हमें भी ये सब कुछ लाना चाहिए। देखा तभी वो पुलिस वाला लेफ्ट लेन वाली गाड़ी को बोल रहा था कि शायद सीधे जाना है, ऐसे करके कुछ बोल रहा था। ये कौन से उन्होंने पहले ही लगा दी है जब मैं वहाँ पर खड़ी थी। जे आना लगता उस गाड़ी का वो जे वाला, ये पता नहीं। उससे पूछ रहे हैं, यही तो खड़ा है साथ में और कोई है ही नहीं। मैं भी लग रहा ना देख के स्पोर्ट्स कार थी। और अभी ये फायर वाले सारा इसका वो उठाएंगे। देखो कुछ भी नहीं बचा गाड़ी का। निसान की गाड़ी है, स्पोर्ट्स ही है ना, स्पोर्ट्स ही है ना। हाँ निसान है, सिंगल डोर। तो निसान की गाड़ी थी। और वाकई जो इधर कैलिफोर्निया और नेवाडा एरिया ना, इट्स रियली टू हॉट। आपको आगे लग रहा था कि हम ऐसे मजाक कर रहे हैं कि बहुत गर्मी। इंडिया तो कुछ भी नहीं है, मतलब इंडिया है इंडिया, लेकिन ये है ना कि मतलब स्वेटी हो जाता है बंदा, यहाँ स्किन सड़ती है, बर्न हो जाती है स्किन। ये पंगा है। अभी मैं पोस्ट डाल के हटी थी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे, 51 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट नहीं हुए अभी पोस्ट डाली और साथ में ये देखने को मिल गया। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, बहुत भाई सीरियसली। शाम के 7:15 हो गए यहाँ पर और अभी भी 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चलो मेन बात है बंदा बच गया, सही सलामत था। आपने भी देखा सही तरह से था वो, ठीक है। और टाइम से ही गाड़ी से बाहर निकल गया। मशीनरी तो दोबारा बन जाती है, आदमी दोबारा नहीं बनता। आई थिंक उसको पता चल गया था कि गाड़ी को आग लगने लगी थी, तभी उसने शोल्डर में लगा ली थी। नहीं तो रोड पे होनी थी अगर उसको एकदम से पता चलता। जी। तो बंदा अवेयर था, इसकी वजह से उसने गाड़ी साइड पे कर ली और उसकी खुद की भी जान बच गई। तुम भी एसी बंद कर लो, अब हिल जा रहे हैं। मैंने तो बंद ही किया था, अभी जब खड़े थे तब चलाया। मैंने तो 15-20 मिनट हो गए एसी बंद किए को। ये देखो ऐसे ना बहुत से यहाँ ट्रक खराब होते हैं। पीछे भी आपने देखा था पहाड़ी पे कूलर है, उसका पार्ट गया था, कूलर भर रहा था। हाँ। इसका भी कुछ ऐसा ही लग रहा मुझे। ये एक और गाड़ी खड़ी है आगे। ये बेकर की पहाड़ी है ना, लगातार चढ़ती है यार। हम ऐसे नहीं आ सकते, मुझे लगता हमें पिक्का चाहिए। हाँ? हम कैमरे पे नहीं आ सकते, वो तो आग पकड़ लेगी। तो 8 साल पुरानी गाड़ी है वो तो। वो सीधा रास्ता था, वहाँ पे कोई पहाड़ियाँ वगैरह नहीं थी। वही तो। और कई लोग ऐसे स्लो भी चलाते हैं फ्लैशर लगा के। ये भी ठीक है, दड़ाओ मत, सो दैट गाड़ी गर्म ना हो। ये भी अच्छा है।